वेलकम टू मॉलिक्यूल लेक्चर ऑन इननेट इम्यूनिटी एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्यूनिटी डिस्कस की थी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज बताई थी। इस वीडियो में हम इननेट इम्यूनिटी और उनके फैक्टर्स जो बैरियर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो की मैंने जो लिंक थी वो डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा दिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अब देख लेते हैं इननेट इम्यूनिटी कहते किसको हैं। ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से देख लेता हूँ इननेट इम्यूनिटी कहते किसको हैं। इननेट इम्यूनिटी ऑफ एन एनिमल is also known as natural immunity, native immunity or inherited immunity. इसको natural immunity, native immunity और inherited immunity भी कहते हैं। ये पैदाइशी होती है, पैदा होने के वक्त से मौजूद होती है और ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, inherited from parents. ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है बल्कि जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल होते हैं और pathogens होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्ट करती है। ये डिपेंड नहीं करती प्रीवियस एक्सपोजर पे और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। प्रीवियस एक्सपोजर मतलब अब इसको नहीं याद होता है कि पहले कौन सा बैक्टीरिया आया था और नहीं आया था, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी सिलेक्टिव किसी एक पैथोजन के लिए नहीं होती है। इसका काम ही होता है एक तरीके से दरवाजा है ये, वो दरवाजा किसी को भी रोक सकता है अंदर आने से। इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। अब इसके डिफरेंट बैरियर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बैरियर है हमारा फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और अलग अलग सिक्रीशन आती है। दूसरा है हमारा केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स पे साइटोकाइंस और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आते हैं। सेलुलर बैरियर्स फैगोसाइटिक सेल्स और एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। और लास्ट है हमारा इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, इसको हम डिस्कस करें। फिजिकल बैरियर्स देख लेते हैं। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे, ये दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड, पहला होता है हमारा स्किन। अब स्किन क्या करती है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको स्किन से पेनिट्रेट नहीं होने देती है अपने, ठीक है, तो बॉडी के अंदर आने नहीं देती, पेनिट्रेट नहीं होने देती, तो स्किन प्रोटेक्ट करती है। दूसरा होता है एसिडिक पीएच ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस सिक्रीशन। अब इसमें वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इंट्रैप फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये भी ट्रैप कर लेती है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और प्रोटेक्ट करती है। लास्ट हमारा फिजिकल बैरियर टीयर्स। अब टीयर्स के अंदर लाइजोजाइम्स और लैक्टोफेरिन होते हैं, वो भी फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा केमिकल बैरियर्स। अभी जो केमिकल बैरियर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला है हमारा साइटोकाइंस। इट इज जेनरिक टर्म, अभी जेनरिक टर्म है फॉर एनी लो मॉलिकुलर वेट सॉल्युबल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज बाय वन सेल पॉपुलेशन व्हिच एक्ट एज एन इंटरसेलुलर मीडिएटर। अब ये एक सेल पॉपुलेशन, जो एक सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये केमिकल एक सेल से रिलीज होता है वो दूसरे सेल्स को जाके प्रोटेक्ट करता है, यही साइटोकाइंस होते हैं। अब इसमें मोनोकाइंस आते हैं, लिम्फोकाइंस आते हैं, इंटरफेरॉन्स आते हैं और कीमोकाइंस आते हैं। अब इसमें पहला है हमारा इंटरफेरॉन्स, जो हम लोग दो ही के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं इट इज प्रोड्यूस बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन एंड जनरली इंड्यूस एंटीवायरल स्टेट इन सराउंडिंग सेल्स। अब जैसे ये था हमारा, ये सेल थे हमारे, ये सेल्स को किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो जब वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया तो इन सेल्स ने एक केमिकल रिलीज किया जो था हमारा इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करेगा, दूसरे सेल्स के पास जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और वहाँ एंटीवायरल स्टेट डेवलप करेगा, ये काम होता है इंटरफेरॉन्स का। कीमोकाइंस क्या करते हैं, कीमोकाइंस गाइड करते हैं दूसरे WBCs को कि वो माइग्रेट कर सके, माइग्रेशन में मदद करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, दूसरा केमिकल बैरियर हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन।
इट इज सिंथेसाइज बाय लीवर एंड सर्कुलेट इन ब्लड एंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इट एनहांस द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फाइगोसाइटिक सेल्स टू क्लियर पैथोजेंस। अब ये एंटीबॉडीज ऑफ फाइगोसाइटिक सेल्स की जो एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है जिससे ये और अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का क्या होता है, ये इन्हेंसर होता है जो एबिलिटी इन्हेंस करता है एंटीबॉडीज और फाइगोसाइटिक सेल्स की। अगला है हमारा सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर में हमारा पहला है फाइगोसाइटिक सेल। अब फाइगोसाइटिक जो आया तो ये इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, फाइगो मतलब हो गया, यहाँ पे जो फाइगो मतलब हुआ, फाइगो मतलब हो गया टू ईट, यहाँ पे फाइगो मतलब हो गया टू ईट, और सिटिक मतलब हो गया, यहाँ पे सिटिक मतलब हो गया सेल। तो ये ईटिंग सेल्स होते हैं जो फॉरेन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ इनवेडिंग फॉरेन पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया बाय इंडिविजुअल सेल्स। दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड डेंटिक सेल्स। ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये जैसे ये सेल है हमारा फैगोसाइटिक सेल है, इसके पास कोई मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल को क्या किया, इसने इंट्रैक्ट किया, इस मॉलिक्यूल को जब इनगल्फ कर लिया इसने, तो इनगल्फ करके ये अंदर आया, तो इसके अंदर जो वैक्यूल होगा उस वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं अलग अलग, और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। तो आफ्टर इंजेशन फॉरेन पार्टिकल्स इंट्रैप्ड इन अ फैगोसाइटिक वैक्यूल व्हिच यूजेस विद लाइसोजाइम्स एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लाइसोजाइम्स डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स। अब ये जो था हमारे लाइसोसोम था, इसके अंदर जो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है उसने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया फॉरेन एजेंट को और प्रोटेक्ट कर दिया। ये काम होता है फैगोसाइटिक सेल्स का। दूसरे होते हैं हमारे नेचर किलर सेल्स। अब नेचर किलर सेल्स जो होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी एंड प्ले मेजर रोल इन डिफेंडिंग द होस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स। अब जो होस्ट होता है उसको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्लास ऑफ लिम्फोसाइट है जो अलग है बिल्कुल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स से। नेचर किलर्स के पास जो होते हैं वो मेमोरी नहीं एक्सिबिट करते हैं एंड आफ्टर स्टिमुलेशन डिस्ट्रॉय टारगेट सेल बाय रिलीजिंग बायोलॉजिकली पोटेंट मॉलिक्यूल्स। इनका काम होता है कि जब स्टिमुलेट करते हैं ये, तो ये जो टारगेट सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, ये पोटेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज डिस्टिंग्विश इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स फ्रॉम नॉर्मल सेल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग चेंजेस इन सरफेस मॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल कॉल्ड एमएचसी क्लास वन। अब जिन सेल्स के पास एमएचसी क्लास वन नहीं होता, उनमें चेंजेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल पे, तो उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दीज आर ऑल्सो एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू साइटोकाइंस। साइटोकाइंस रिस्पॉन्स में भी रिलीज होते हैं। एक्टिवेटेड नेचर किलर सेल्स रिलीज साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स विच डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स, हेंस कॉल्ड नेचर किलर सेल्स। अब टारगेट सेल्स वो होते हैं जिनके पास एमएचसी क्लास वन मॉलिक्यूल सरफेस पे चेंजेस आ जाते हैं, नहीं होता, उन्हीं को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल था, एक ये सेल था, दो सेल थे। अब एक के पास ये एमएससी क्लास वन यहाँ पे था, यहाँ पे क्लास वन एमएससी, ये क्या था हमारा एम एच सी क्लास वन था। तो अब इसके पास था, इसके पास नहीं था, तो जो नेचर क्लर सेल्स आएंगे तो वो देखेंगे जिसके पास एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल नहीं है तो उसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सेल को ये देखेंगे ये इन्फेक्टेड है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसमें केमिकल्स रिलीज करेंगे जिससे ये सेल जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो अंदर फॉरेन पार्टिकल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही काम होता है नेचर किलर सेल्स का। अगला है हमारा इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। अब अलग अलग इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होते हैं जो मदद करते हैं प्रोटेक्शन में।
इन्फ्लामेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सेल रिएक्शन टू सेल इंजरी। अब ये नॉन स्पेसिफिक होता है जो डिफेंस करता है और प्रोटेक्ट करता है। इसके साइन होते हैं पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और भी होते हैं। तो ये इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होते हैं जो मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये चेंजेस कर देते हैं जो कि लोकल ब्लड वेसल होगी जहाँ पर की, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ वहाँ की लोकल ब्लड वेसल्स में चेंजेस कर देंगे, जिससे क्या होता है ब्लड वेसल्स परमेबल हो जाती हैं अलग अलग फ्लूड और प्रोटीन से, जिससे जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो आके अंदर जमा हो जाते हैं और डिफेंस करते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ। तो ये काम होता है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स का। तो हमने बात कर लिया पूरे इम्यूनेट इम्यूनिटी, हमने पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली, इसके हमने अलग अलग बैरियर्स बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। Please like, share and subscribe.